सोना मैं स्वीटहार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ? और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझे? मैडम, आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। पापा, पापा, I'm so sorry, पापा। मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। I'm sorry. Arrange food and drinks for more than 40 people, ठीक है? और खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं है। I'm sorry. Hi, चाचा जी। Hi, बेटा जी। क्या चाचा जी, आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता? क्या बेटा जी? आज मेरा बर्थडे है। Oh, I am sorry. Many many happy returns of the day. Thank you. लेकिन सिर्फ happy birthday से काम नहीं चलेगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज पार्टी करनी है। Sorry बेटा जी, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत की थी, उसमें लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती उनकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक भी पैसा न दिया जाए। I don't believe this. डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रही तुम्हारे पिताजी के वसीयत की कॉपी। मैं इस वसीयत को नहीं मानती। इसे फाड़ने से क्या होगा बेटा जी, असली वसीयत नामा तो हमारे वकील के पास है। बाय। चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। बेटा जी, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मेरे चाचा नहीं होते ना, तो अभी क्या, अभी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया को मरते वक्त अगर मैंने वादा नहीं किया होता ना कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तो मैं भी इस पैसे को लात मार के चला जाता। हेलो सोना, पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहू कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना वो हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रानी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं है जेल में। अब भैया हमार सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है लेकिन कहां? हाँ, एबीसीडी वाला। नमस्ते साहब। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ। ये है वो लड़की। तू है? तुम इसे जानते हो? अरे साहब, बहुत चालू लड़की भी आई और घमंड इतना कि एकर माई बाप एकरा के कुछ सिखौल नहीं के। इसका मतलब तुम इससे शादी नहीं करोगे? पहले को बात बतावा, तू हमारा से कहें शादी कर जाता रू? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, वो दिनवा जब गोदी में उठेले रहनी तो गधा लगत रहनी और अब फांसी पे लटके वाला बानी तो सलमान खान बुझाता नहीं। अरे तुमने कारनामा ही ऐसा किया कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। अब सोचो अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरा भी कितना नाम हो जाएगा, है ना? नाम कुछ ना हो, ब्याह होते तू राण हो जेबू। राण? व्हाट? अरे मतलब विधवा हो जेबू। अरे वही तो मैं होना चाहती हूँ। देखा था निजाबे कर, लड़की कुल सुहागिन उखल चाहनी और राण उखल चाहती है। अब मेरा मतलब किसी नामर्द की सुहागन होने से अच्छा है किसी मर्द की विधवा बन के जीऊं, है ना? दरअसल जोड़ा कारनामा खातिर तू हमारा मोहरत बुझो तारू वो हम कहले ही नहीं की, उस साला कोनो और कहले बा। लेकिन वैसे अगर पहला मुलाकात में तू हमारा दिल की आवाज सुन ले रहतू तब ले तो तू हमारा लड़का का मोई बन गेल रहतू। पहले ये बोलो तुम इसे शादी करोगे या नहीं? साहब सुन ले मानी कि शादी के लड्डू जे खाला वो पछताला आ जे ना खाला वो पछताला, हम ई लड्डू खा के पछताए चाहता नहीं, हमारा के शादी मंजूर बा। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेट्स। भाई बाबूजी। बाबूजी का भेल रे? निरहू भैया ब्याह कहीं ले ले। तोहरा कैसे मालूम बा? अभी अभी टीवी पर न्यूज देखनी है। हे भगवान, लड़की कोने जात की बिया? अरे बेटा।
दुनिया फांसी पे चढ़े जा रहल बा आ तोहरा जात पात के परल बा। चाय दी माई धन्यवाद तो लड़की के जौन बियाह कह के बाढ़ के दाग निरहो के दामर से छोड़ा देलस। चाचा जी। अरे क्या बात है बेटा जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे। अरे जल्दी बताओ बेटा जी, मैं भी उछलना चाहता हूँ। मैंने शादी कर ली है। मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फोटोग्राफ्स। ये कौन है? ये एक सीरियल किलर है। अरे आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मैरिज सर्टिफिकेट भी लाई हूँ। तुमने सही में शादी कर ली बेटा जी? यस चाचा जी, और आज से 9 दिन बाद उस आदमी को फांसी हो जाएगी। और फिर मैं शादी के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। और शादी करने के बाद भी मैं कुंवारी ही रहूंगी चाचा जी। कैसा लगा मेरा प्लान? क्या दिमाग लगाया है बेटा जी। तो अब डैडी के वसीयत के अनुसार इस पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ। तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 10 लाख रुपए क्यों बेटा जी? क्योंकि मुझे रान पार्टी मनानी है। रान पार्टी? अरे यार, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर धोकर, उसकी चूड़ियां तोड़कर, उसे सफेद साड़ी पहनाकर विधवा यानी कि रान बनाया जाता है। वैसे ही जब उस बेचारे को फांसी लग रही होगी, उसी वक्त हम उसके मरने की खुशी में एक आलीशान पार्टी करेंगे जिसका नाम होगा रान पार्टी। यस। कमाल है, हुबू ऐसे ही है। हाँ सर, शक्ल एकदम मिलती जुलती है। आओ, कहीं उस बेगुनाह निरहुआ को फांसी हो गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पर सर, कल कोर्ट की छुट्टी है, कल सुबह ठीक 12 बजे उसे फांसी दे दीजिए। सोना डार्लिंग मुबारक हो, आज तो तुम विधवा बनने वाली हो। विधवा नहीं रे, वो क्या कहते हैं, रॉड बनने वाली है। रॉड? अरे ये तो बताओ, रॉड कितने बजे बनोगी? उसे एग्जैक्टली 12 बजे फांसी लगने वाली है। अभी कितना बज रहा है? डार्लिंग अभी तो 11 बजे हैं। निरव कुमार यादव, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? साहब ब्याह तो करवा देनी, अब सुहाग रातों करवा देती तो मोरे में आसानी रही। रुको, सर ये कोर्ट का आदेश है। क्या क्यूट लग रही है डियर, क्या क्यूट लग रही है। खोल दो। जय बजरंगबली, हम तो पहले ही कातरानी के हम कुछ नहीं की कहले। जाओ मनाओ सुहागरात। कैसे हो अब? बढ़िया साहब। समय पर असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए तुम बच गए। जी। बेवजह जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हमें दुख है। कोर्ट के आदेश के अनुसार तुम्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ये रहा तुम्हारा चेक। धन्यवाद। अब तुम आजाद हो, अब कहाँ जाने का इरादा है? और कहाँ जाए साहब, अपने मेहरारू के लगे। उस साधारण औरत ने क्या साहब, साक्षात देवी भी है। और ओकरे पुन प्रताप से तो हम बच गए नहीं।
हम आ गए नी चाचा साक्षात देवी भी हमार मेहरारू हमरा बचला के खुशी में पार्टी मनावतिया देखो अरे तुम्हें तो फांसी होने वाली थी तुम बच कैसे गए तोरे वजह से तू साक्षात देवी बाड़ू जब से तो से बिया भइल ना हमार सब घर नक्षत्र कट गई जो नसली अपराधी रहू साला पकड़ा गईल और तुहार पति तोरा सामने बा पति तुम जैसे जाहिल गवार को मैं अपना पति तो क्या इस घर का नौकर भी नहीं बनाऊंगी का तो जेल में जो हमारा साथ साथ फेरा ले रहा वो सब नाटक रहे हाँ सब नाटक था अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी लेकिन मेरे डैड ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो उनकी दौलत में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम्हें फांसी लगे तुम मर जाओ और मैं आजाद हो जाऊं लेकिन तुम तो बच गए और यहाँ मेरा सर खा रहे हो इसलिए फटाफट फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से हां तो दफा ना खत का तुम मुंह देखा अरे हम तोरा के सती समझनी और ते तो डायन निकल ले तोरा जैसा मेरारू के तो मुंह देखल पापा अगर तोरा के हमार मुंह नहीं देखे के ना तो हमरो के तोर मुंह नहीं देखे के तो खड़े खड़े मुंह देख क्यों रहे हो निकलो ना हां तो चिल्लात का बढ़ जाता नहीं ना अरे कहाँ चल दिए रामपुर के लक्ष्मण हम यहाँ सीता के तलाश में आयल रही लेकिन तुहार भतीजी पूरा सुपनखा भिया एक मिनट नहीं खेला ओकरा साथ हमके अरे मैंने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े जवान मर्द होते हैं अपनी औरत की नकेल को ऐसा कस के रखते हैं कि उसकी इजाजत के बिना वो हिल भी नहीं सकती तुम कैसे मर्द हो यार अच्छा अच्छा मर्दानगी मत नहीं आ रहा मौका मिलल रही इतना ताजे दिखा दे रहती कि मर्दानगी के मतलब का होला अरे तो देर किस बात की है बेटा जाओ अपनी बेलगाम औरत की लगाम कसो तब मैं समझूंगा कि तुम मर्द के बच्चे हो का लगाम लगाई ओके जो उन शादी भी धोखा के बुनियाद पे के लिए भी लेकिन बेटा वो बुनियाद कानून के सिकंजे में ऐसे कसा हुआ है कि वो चाह कर भी नहीं निकल सकती वो कैसे वो ऐसे कि जेलर के सामने तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारी शादी के सारे सर्टिफिकेट मेरे पास है सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। है अरे कानूनन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती लेकिन तुम जो चाहे उसका कर सकते हो अच्छा है? 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 तब देखा चाचा देखा है भोजपुरिया जवान के खेल कैसे निकाला था नींद करती है मैडम 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 चाय वो नमूना यहाँ से गया कि नहीं नहीं मैडम वो तो मजे से खा पी रहा है इसकी तुम्हें अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो बाप के नहीं के ससुर जी के दहेज समझ के खाता नहीं तोरा कोनो दिक्कत भिखारी कहीं के तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊं अरे केकरा से बात कर दिया रे पति परमेश्वर से ऐसे बात कर जला देखा भी जवान संभाल के बात करना था कान के नीचे जवान लप्पड़ मारब की आंख निकल के नाचे लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझ पे हाथ उठाओगे हाँ जरूरत पड़ी तो लथेबो करो ई कौन बेला रे उठे के है काल से अगर सवेरे सवेरे उठ के आई कुल झाड़ू पोछा ना भइल ना तब हम तोके बताए कि मरद और मेहरारू में अंतर का होला रामू लोचन जी मैडम अभी के अभी इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो बेटा इनकर मौरद होके के नाते अब घर के मालिक हम बनी अब ऑर्डर इनकर ना हमार चली हमारा के निकाले ही बोलो तो नहीं लोग के निकाल दे नहीं मालिक अरे नहीं है अब तू मुंह का देखा तारी रे है जो हमारा खातिर पानी लेके आओ पानी मैं तो तुम्हें जहर दूंगी जो देवे के बाद तो देते नहीं के नाराज हो गए लो सुनो ना दिन भर लड़ाई हुई तो हमनी के प्यार मोहब्बत कब करे के वैसा रात के तब प्यार के हमनी के खेला खेलिए ना पहुंच जा चला दा अभी प्यार के लड़ाई लड़ल जा ओ शिट सोना सुहाग रात तो सभे मनावला हमनी के सुहाग दिन मनावल जा चलो ना चाचा जी हाँ जी इस बदतमीज आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए अरे नहीं नहीं बेटा जी अपने पति को बदतमीज नहीं कहते उससे शराफत से पेश आते हैं पति माय फुट और मुझे तो लगता है आप भी इससे मिले हुए हैं कोई बात नहीं मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगी और चुटकियों में तलाक देके इसे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी देखना अरे नहीं नहीं बेटा जी ऐसी गलती जिंदगी में मत करना क्योंकि तुम चाहकर भी तलाक नहीं दे सकती क्यों नहीं दे सकती क्योंकि उस दिन तुमने अपने पिता की वसीयत को बगैर पढ़े फाड़ दिया था
उस वसीयत में साफ साफ लिखा है अगर तुम अपने पति को तलाक दोगी तो ये पूरी जायदाद तुम्हारे पति की हो जाएगी, यानी इसकी हो जाएगी। ओह नो। ओह यस बेटा जी। हाँ, एक शर्त पे ये पूरी दौलत तुम्हारे नाम पे हो सकती है, अगर ये तुम्हें तलाक दे दे, तुम तलाक दोगे बेटा ना? इतना मुश्किल से तो इतना गोच बाल भी ललबा हम ये जन्म तक का सात जन्म में छोड़े वाला नहीं की। तुम्हें तो मैं आजा। ये क्या है बेटा जी? तो क्या हमार कसम, कुछ ना पूछबा, चुपचाप रखा। हाँ। डार्लिंग, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो सरदर्द बन गया है यार, अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं जाएगा ना तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। नहीं सुनो डार्लिंग, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, दुनिया में तुम ही तो एक सहारा बचे हो मेरे, प्लीज कुछ भी करो, कैसे भी उसे यहाँ से भगाओ। बस तुम देखती जाओ, उसका तो मैं वो हल करूंगा कि वो तुम्हारी घर की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। अंदर कैसे घुस गए? निरहुआ कहाँ? क्यों मार? कहाँ निरहुआ? मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, जाओ ढूंढो। कहाँ रह गया उठी? साला अनार, बानर लिखा है ने उन्हें का देखा तारा रे, हम यहाँ बानी। अरे उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मारो। चलो मार इसको। अबे सालो तुम लोग जयकारा लगाने आए हो, मारो ना। रुका, तू हमरा से पीछा छोड़ा खातिर एक नहीं बोले बाड़ू, तो तारा मालूम है नहीं के कि हमें को हिंदुस्तानी पति है, और हिंदुस्तानी पति एक बार हाथ पकड़ लेलस तब फिर जीवन भर छोड़े ला ना। अभी सालो देख क्या रहे हो, मारो ना यार, मारो ना, पकड़ लो। अरे गधो, मुझे नहीं उसे पकड़ो। भाई लोग सुहाग रात में क्यों बनवावा लोग भाई।